प्रदेश के अमरोहा में विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी व सदस्य अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गए हैं। वह श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में धरने पर बैठ गए। विद्यार्थी परिषद द्वारा मांगों का ज्ञापन यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को सौंपा गया। इस अवसर पर प्रदेश सह मंत्री विपिन सागर ने कहा कि जब देश और दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, ऐसे में श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं से जबरन पेनल्टी के साथ फीस वसूली जा रही है तथा जिन कोर्सों को स्थानीय स्तर पर नहीं दिखाया जाता वहां पर गुप्त तरीके से एडमिशन में पैसे वसूले जा रहे हैं। सच सुनने पर सही करने की आदत को भूलना इनकी प्राथमिकता है, जिस कारण छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार की ओर जाता हुआ दिख रहा है। जिला संयोजक पीयूष चौधरी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे कार्यों के लिए छात्र छात्राओं को परेशान करना व कैंपस में किसी प्रकार की गतिविधियों का ना सुनना मानो इसकी तानाशाही चल रही है। इस दौरान विद्यार्थियों ने चेताते हुए कहा कि दिए गए 7 सूत्रीय ज्ञापन को अगले 15 दिन में अगर पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। बताते चले कि विद्यार्थी परिषद अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गया है, साथ ही मांगों को पूरा ना करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। विद्यार्थी परिषद ने श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी पर जो प्रदर्शन किया, इस प्रदर्शन में हम सभी जानते हैं कि मीडिया के माध्यम से दुनिया भर की खबरें हमने देखी कि कोविड-19 से कैसे दुनिया जूझ रही है। ऐसी कोविड-19 में इस यूनिवर्सिटी को पैसे जबरदस्ती वसूलना और उस पर भी पेनल्टी लगा करके 500 रुपये पर डे लगा करके शुल्क वसूलना, इतना बड़ा आरोप है जिसको अभी भी यूनिवर्सिटी बहुत हल्के में ले रही है। और हम सबको समझना पड़ेगा, यहाँ गरीब किसान मजदूर लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा इन्होंने हरकत करना, उसको एक मार्कशीट निकालने के लिए एक कम से कम 3 महीने चक्कर काटने पड़ते हैं। सोचने का विषय यदि उसको 1 महीने बाद कहीं जॉब मिलती होती है तो उसको बेरोजगार करने का काम यूनिवर्सिटी कैंपस कर रहा है। और यदि आप अपनी समस्या को लेकर के सीधे जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपनी पूरी तरह से तानाशाही चला रखी है। और ये केवल विद्यार्थी परिषद ने 15 दिन का अल्टीमेटम देकर के ज्ञापन सौंपा है, 7 सूत्रीय ज्ञापन है। यदि इन्होंने 7 सूत्रीय बिंदुओं पर 15 दिन के अंदर काम नहीं किया तो 15 दिन के बाद विद्यार्थी परिषद एक बड़े स्तर पर एक उग्र आंदोलन करेगी। ये चेतावनी विद्यार्थी परिषद की श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी को है। अच्छा विपिन जी, इससे पहले भी यूनिवर्सिटी पे इससे धरने हुए हैं? यूनिवर्सिटी के हम लोगों ने पहले प्रदर्शन किया, यूनिवर्सिटी अपने आप को पावर में मानते हुए विद्यार्थी परिषद पर झूठे मुकदमा लगाना, उसको उल्टे सीधे केस में फंसना, ये इनका पेशा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जब देश को आज़ादी के लिए भगत सिंह को फांसी चढ़ना पड़ा था, उसके बाद क्रांति देश के अंदर आई थी, आज हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर ये झूठे मुकदमे लगाकर हमको जेल भेजते हैं तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता डरेगा नहीं और उन छात्रों को उनकी हक की आवाज़ दिलाकर रहेगा। यह विद्यार्थी परिषद का अल्टीमेट है। अब क्या कहा है यहाँ पे, कोई कोर्स का भी अधारे क्या इस यूनिवर्सिटी के अंदर? 2-3 कोर्स ऐसे हैं जिनको यहाँ फ्रंट पे नहीं रखा गया और वो ये बैक साइड से अर्थात पीछे की दिशा से उससे पैसा कमा रहे हैं और अगले 15 दिन के बाद वही कोर्स इनके सामने नजर आएंगे। और ये विद्यार्थी परिषद का अल्टीमेट, आप सचेत हो जाइए, ये यूनिवर्सिटी का जितना खर्ची वाला है बहुत जल्दी सामने आने वाला है। अच्छा, आप क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है, इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं जो समस्या हम लोगों ने 7 सूत्रीय ज्ञापन उनको सौंपा है कि वो 15 दिनों में मैं पूरा करता हूँ और ये नहीं करेंगे तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए हमेशा सदैव तत्पर तैयार रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।